हाय गाइस, दिस इज हिमांशु एंड आई एम अ ट्रैवल व्लॉगर। और आज मैं आप लोगों के लिए एक क्विक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आप लोगों को कैची धाम के दर्शन देखने को मिलेंगे। और आप लोगों को पता लगेगा कि अगर आप लोग कैची धाम आना चाहते हैं तो कैसे आए, पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए पहले मंदिर के दर्शन कर लेते हैं और वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि यहाँ तक आने के क्या क्या साधन अवेलेबल हैं। तो गाइस, ये गेट के बाहर ही यहाँ पे जूते चप्पल वगैरह उतारने होते हैं। तो गाइस, जैसे ही मैं मंदिर के अंदर घुसा, वहाँ पे कैमरा बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, एंट्री के साथ से अलाउड नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली मैं अंदर का कुछ कैप्चर नहीं कर पाया। बट अंदर जाते ही वहाँ पे एक अलग ही अरोमा है, एक अलग ही प्रकार की शांति आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारे मंदिर हैं। सो गाइस, ये जो टेम्पल है ये उत्तर वाहिनी नदी के तट पे है। तो बेसिकली आप देखोगे अभी तो नदी बहुत कम आई हुई है, बरसात के टाइम में थोड़ी नदी अच्छे तरह से आती है। अगर आप बरसात के टाइम में आएंगे तो आपको काफ़ी पानी यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये जो जगह है काफ़ी फेमस है, आप लोगों को तो इसके बारे में पता ही है, नीम करौली बाबा के चमत्कार। और यहाँ पे कहाँ कहाँ बाहर बाहर से लोग आए हुए हैं। और अगर आप लोग आते हो तो यहाँ पे पार्किंग के लिए भी बहुत सारी जगह अवेलेबल है, यहाँ पे खाने पीने भी काफ़ी रेस्टोरेंट्स वगैरह अवेलेबल हैं रोड पे। सो गाइस, यहाँ आने के लिए आपको पहले हल्द्वानी आना पड़ता है। हल्द्वानी के लिए आपको, अगर आप दिल्ली से आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, तो आपको ट्रेन मिल जाएगी और बस सुविधाएँ अवेलेबल है। वहाँ से अगर आप कोई भी ऊपर की बस ले लेते हैं या टैक्सी ले लेते हैं, वो आपको सीधे कैची धाम छोड़ देगी। और ये रहने के लिए भी काफ़ी सारी होटल्स और छोटे छोटे गेस्ट हाउसेज अवेलेबल हैं, और बहुत सारे यहाँ पे रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है खाना पीना खाने के लिए। तो काफ़ी सारी जो बसेज और टैक्सीज जाती हैं यहाँ पे रुक के, ये लोग ब्रेकफास्ट वगैरह या फिर अपना स्नैक्स वगैरह यहाँ पे खाते हैं। तो फिलहाल दोस्तों, मैं यहाँ पे कैची धाम के दर्शन करके आ गया हूँ। अगर आप रहने की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं और ओयो रूम्स अवेलेबल हैं, गेस्ट हाउसेज हैं, और काफ़ी सारी सुविधाएं हैं अवेलेबल हैं यहाँ पे। इनफैक्ट यहाँ पे वीकेंड में काफ़ी रश रहता है, और जुलाई के टाइम पर भंडारा भी होता है, तो यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे मेला लगता है बहुत बड़ा। तो आप अपने अकॉर्डिंग आ सकते हैं जब भी आना चाहें। और आपको कैसी लगी ये क्विक छोटी सी वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके इससे रिलेटेड कुछ भी जानकारी और चाहिए तो मुझे वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।